पहला मेजॉरिटी पार्टी रूल, दूसरा रियल एंड नॉमिनल हेड्स, ये भी आपने देख लिया। तीसरा डबल मेंबरशिप, चौथा पॉलिटिकल होमोजेनिटी, आई एक्सप्लेन इट ऑल्सो। पांचवा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो शबनम ने बोला था शायद। डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, जो गलती अनीत ने करी थी वो यहां पर आ जाएगी। लीडरशिप ऑफ द पीएम, सो आई टेक दीज इश्यूज वन बाय वन, और यहीं पर डायग्राम से मैं आपको समझाऊंगा। इसमें लिखवाऊंगा कुछ नहीं, ये बुक में सारा लिखा हुआ है, आपको सिर्फ समझना है, और हजार बार मैं लिखवा चुका हूं। सो लीडरशिप ऑफ द पीएम इज ऑल्सो फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बिल्कुल सही है ये बात, दैट पीएम इज द लीडर of the house as well, of the government as well, not the head of the state, that is president. Majority party rule, you know, BJP or coalition. Real and nominal heads, real head is head of government, nominal head is only the rubber stamp head, that is the head of state. And president of India works on the advice of the real head. So nominal executive is aided and advised by the real executive. Ye bhi bol sakte ho. Double membership. How? Modi is also the part of Lok Sabha. He is also the member of Lok Sabha. He is also the member of cabinet, or he is also the member of government. वो Lok Sabha का भी member है और government का भी member है। उसका मतलब ये है, in order to become a minister, he first had to become a member of parliament. Is there a provision that Modi is not the member of parliament and still becomes the PM of India? Yes, bolo. Yes, sir. Didi. Didi is bar election. दीदी इस बार इलेक्शन हार गई। यस तमन्ना, बोलिए बोलिए प्लीज। यस तमन्ना, बट वी नीड टू गेट इट डन इन 6 मंथ्स। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो सिंपल सी बात है, ममता बैनर्जी इस बार इलेक्शन हारी, बिल्कुल हारी, लेकिन ममता बैनर्जी फिर भी सीएम ऑफ बंगाल बनी। क्यों बनी? बन सकती है, एनी पर्सन कैन बी दी मिनिस्टर, एनी पर्सन। उसके लिए उसको इलेक्शन जीतना एक्चुअली जरूरी नहीं है, वो दूसरे तरीके से भी आ सकता है। इलेक्शन हार गया फिर भी वो 6 महीने के लिए मैं उसको बना सकता हूं, ये रूल है। मनमोहन सिंह जी ने कभी इलेक्शन नहीं लड़े, ही केम थ्रू द राज्यसभा रूट, बिकॉज इन राज्यसभा द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज द अथॉरिटी टू नॉमिनेट 12 मेंबर्स इवन विदाउट कॉन्टेस्टिंग एन इलेक्शन। दोज मेंबर्स कैन बी फ्रॉम द स्पेशल यू सी कैटेगरीज लाइक लेट अस से यू नो लिटरेचर, दे कुड बी नॉमिनेटेड मेंबर्स। सिंपल सी बात है, इवन इन विधानसभा इट इज अलाउड। विधानसभा में नहीं अलाउड है, आपका विधान परिषद में अलाउड है। विधान परिषद में कैसे अलाउड है? वहां 1/6 ऑफ द मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट। एंड सभा, परिषद और राज्यसभा में जो होते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, तो वहां पर यू सी स्टेट असेंबली से ही बंदे जो आएंगे वहां पर इलेक्ट होंगे एक तरह, तो वहां पर रिप्रेजेंटेशन लेके आप इजिली जा सकते हैं, दैट इज ऑल्सो अलाउड। तो राज्यसभा रूट से कई बार चुन लिए जाते हैं, या फिर नॉमिनेटेड रूट से आपको चुन लिया जाता है। मुझे एक और एग्जाम्पल याद आ रहा है, यू सी उसका अरुण जेटली, ही लॉस्ट फ्रॉम अमृतसर बट ही वॉज स्टिल मेड द मेंबर ऑफ, ही वॉज स्टिल मेड द मिनिस्टर। पहले पहले इलेक्शन था 2014 में शायद, तो अमृतसर से सिद्धू के खिलाफ शायद वो हारे थे, सिद्धू वॉन। तो ऑल दैट, ये बहुत कॉमन है।
आपको धीरे धीरे और अखबार में पढ़ोगे तो समझ में आएगा. सो डबल मेंबरशिप सिंपली मीन्स यू हैव टू बी एन एमपी ऑल्सो, देन यू विल बिकम अ मिनिस्टर और पीएम. अदरवाइज अगर डायरेक्ट मिनिस्टर बन रहे तो 6 महीने के अंदर या इलेक्शन लड़ लो या फिर कोई नॉमिनेट होकर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं. पॉलिटिकल होमोजेनिटी, सी इट विल बी इधर बीजेपी और इट विल बी आम आदमी प्लस बीजेपी. बट देन व्हेन आम आदमी एंड बीजेपी का गठबंधन हो जाता है, क्या उनमें डिफरेंसेस रहेंगे? नो, उनमें डिफरेंसेस नहीं होते. दे आर पॉलिटिकली आइडियोलॉजिकली सिमिलर. अगर डिफरेंसेस आएंगे तो क्या होगा? कश्मीर की तरह कोलिजन गवर्नमेंट थी बीजेपी और पीडीपी की, महबूबा मुफ्ती की, वो गवर्नमेंट टूट गई. तो अगर ऐसा हुआ तब होता है कि सरकारें गिर जाती, अदरवाइज दे विल हैव टू बी पॉलिटिकली होमोजेनियस. द होल काउंसिल हैज टू बी ऑन वन पेज. दैट इज येट अनदर थिंग, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. इस वर्ड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी 3 या 4 चीजें छिपी हुई हैं. नाउ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस यूसीओएम इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू दी लोकसभा. As long as it has majority, it enjoys majority party rule. In other words, it enjoys the confidence of the house. Matlab, at least out of 500 or 550, it has 275 people which are in its favor. कम से कम 275 एमपी जो हैं वो इसकी फेवर करते हैं, तब तक ये मेजॉरिटी पार्टी इंजॉय कर रहा है. इसका एक और मतलब है, अगर हाउस को कॉन्फिडेंस नहीं रहा देन दे कैन पास अ नो कॉन्फिडेंस मोशन. Against government, अगर 275 से एक बंदे भी फालतू ने क्या एक बिल पास कर दिया, एक मोशन पास कर दिया, नॉट बिल, एक मोशन पास कर दिया किसके खिलाफ? गवर्नमेंट के. कीजिए 275 वैसे तो बीजेपी की फेवर में होने चाहिए, लेकिन नहीं सर, 275 बंदे नॉन बीजेपी को फेवर कर रहे हैं. चाहे वो एमएलए बिक गए अंदर से, चाहे उनको ट्रस्ट नहीं रहा बीजेपी पर, चाहे उन्होंने पार्टी छोड़ दी, कुछ भी हो गया, चाहे उन्होंने रिजाइन कर दिया. इट इज ऑल्सो कॉल्ड वोट ऑफ ट्रस्ट और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट वोट. सो जब तक हाउस को कॉन्फिडेंस रहेगा इन पर, तब तक ये लोग जिंदा रहेंगे, इनकी सरकार जिंदा रहेगी, अदरवाइज इनकी सरकार गिर जाएगी. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. येट अनदर मीनिंग ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इज दैट दे स्विम एंड सिंक टुगेदर. मतलब इसमें भी दो मतलब है. अगर एक सिंगल मिनिस्टर डज नॉट ट्रस्ट हिज कैबिनेट, he should resign. उसको resign करना if he is not coherent with the policy of all the ministers. Or if a confidence motion is passed against the whole ministry, then it does not mean that only PM Modi will resign. अगर confidence जाएगा तो पूरे cabinet का जाएगा, पूरी ministry का जाएगा. ये नहीं है कि आधा minister resign कर दिया, कि आधे लोगों पर confidence है, आधे लोगों पर नहीं है. They swim and sink together. The government as a whole will fall down.
द गवर्नमेंट कैन फॉल बाय टू टू थ्री मेथड्स. एक तो पीएम की मौत हो जाए, द पीएम डाइज, गवर्नमेंट कैन फॉल. दूसरा, नो कॉन्फिडेंस मोशन इज पास, द हाउस लूजेस कॉन्फिडेंस इन द मिनिस्ट्री. तीसरा, द पीएम रिजाइन्स, सरकार रद्द हो जाती है. चौथा, उनका टेन्योर खत्म हो जाए. टेन्योर खत्म होना मतलब अनीथ डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस. इट हैज नथिंग टू डू विद राज्यसभा और विधान परिषद. इट इज ओनली द लोअर हाउस विच इज डिसॉल्व्ड, विच इज द नॉन परमानेंट हाउस. दिस इज कॉल्ड योर डॉक्ट्रिन ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और द